नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक नितेश राणे हुए गिरफ्तार। इंजीनियर के ऊपर कीचड़ डलवाने और पुल पर बांधने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। पुलिस ने कीचड़बाज विधायक और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। इंजीनियर पर कीचड़ फेंकवाने वाले कांग्रेसी विधायक को अपने करे पर नहीं है पछतावा। कहा, अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है। बता दें, नीतीश राणे अपने समर्थकों के साथ मुंबई गोवा हाईवे के पास पुल का मुआयना करने पहुंचे थे। रास्ते में गड्ढे देखकर वो भड़क गए और फिर इंजीनियर के साथ गुंडागर्दी पर उतर आए, जिसके बाद उन्होंने उस पर कीचड़ डलवाने के बाद उसको पुल पर ही बांध दिया। नगर निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के मामले में बीजेपी ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ भेजा कारण बताओ नोटिस। पीएम मोदी की नाराजगी के बाद भेजा गया है नोटिस। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। सत्ता में दूसरी बार काबिज होने के बाद शुक्रवार को पहला बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आम चुनाव के दौरान किए गए वादे होंगे प्रमुख। भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई को बताया दिखावा। कहा, यह बस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। बता दें, पाकिस्तान ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 5 प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन मामलों में जिन्हें नामजद किया गया है उनमें हाफिज सईद का नाम भी शामिल है। इन संगठनों पर चैरिटी के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने का मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर 5 अगस्त को चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। 9 अगस्त को आएंगे नतीजे। इस सीट पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद असम के प्रभारी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश रावत का कहना है कि असम में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली अग्रिम जमानत। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल को 15,000 के बेल बॉन्ड पर अग्रिम जमानत दे दी। बता दें कि राहुल गांधी पर बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हुई हत्या का संबंध RSS से जोड़ने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दायर किया गया था। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को लगाई फटकार। कहा, अगर वो अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। शाहिद कपूर कियारा स्टारर फिल्म कबीर सिंह ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। ए सर्टिफिकेट फिल्म कैटेगरी में की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि मात्र 18 साल के ऊपर ही दर्शक देख सकते हैं। साथ ही पहली ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म होगी जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। विश्व कप में जारी अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज मैच में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर बनाए 311 रन। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन और एवन लुइस ने जड़े 50, तो अफगानिस्तान की तरफ से दौलत जादरान ने लिए 5 विकेट। फ्रैंक लैम्पार्ड होंगे फुटबॉल क्लब चेल्सी के नए मैनेजर। क्लब के साथ 3 साल के लिए किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। 13 साल तक इसी क्लब के लिए खेलने वाले और रिकॉर्ड गोल स्कोर करने वाले लैम्पार्ड ने क्लब के साथ मुख्य कोच के तौर पर जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब उनको जो काम सौंपा गया है उस पर ध्यान देंगे और आने वाले सीजन के लिए मेहनत करेंगे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 68.81 अंकों की तेजी के साथ 39,908.06 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ 11,946.75 पर हुआ बंद। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।